हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एरियल फोटोग्रामेट्री डिस्कस करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में गेट ईएससी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, वन बाय वन विद एडिशनल नॉलेज मैं इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, ए वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 3200 मीटर, मतलब उसने फ्लाइंग हाइट दे दी उसने 3200 मीटर अबव द मीन सी लेवल विद ए कैमरा ऑफ फोकल लेंथ 120 mm। ये दो पॉइंट कंसिस्ट करता है फोटो ए एंड बी, कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल लेंथ ए बी एंड एवरेज स्केल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इस प्रकार क्या मैं आपको डेटा समझा चुका हूं, हॉरिजॉन्टल लेंथ कैलकुलेशन। तो इस न्यूमेरिकल का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, उसने हमें जो गिवन है ऊपर लिख लीजिए। तो कैपिटल एच इज गिवन टू यू 3200 मीटर, फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 120 mm। इस डेटा को मैं यूज करके एच ए उसने मुझे दे रखा है 640 mm, एच बी उसने हमें दे रखा है 780 मीटर। कोऑर्डिनेट्स को अपलोड कर लीजिए, तभी हम लोग इसका एक डायग्राम बना पाएंगे, नहीं तो डायग्राम नहीं बन पाएगा। आइए, तो ये हमारा एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ की लेट अस सपोज दैट दीज आर प्रिंसिपल लाइंस और फिड्यूशियल लाइंस। ए जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 19.50 है, मतलब ओरिजिन से वो राइट हैंड साइड में होगा। लेट अस सपोज दैट दिस वन इज प्लस 19.50 एंड जो बी पॉइंट है जो उसका दिस वन इज 19.50 एंड दिस वन इज माइनस 14.60। मींस ए पॉइंट आपका यहां पर लाई कर रहा है, उसने हमें एक्स ए दे दिया है प्लस 19.50 mm, वाई ए उसने हमें दे रखा है माइनस 14.60 mm। सिमिलरली जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 26.70 mm है, मींस इसी डायरेक्शन में कहीं ये पॉइंट होगा 26.70 mm। ऑब्वियस बात है ज्यादा है 19.5 से, तो आगे प्लॉट होगा एंड प्लस 10.80, तो यहां पर होगा ए बी, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो वाई बी उसने हमें दे रखा है प्लस 10.80 mm। हम लोगों को वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ बिटवीन ए एंड बी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हम लोगों को ये लेंथ निकालनी है। इसको मैं पहले डायग्राम को प्लॉट कर लेता हूं। ये लीजिए, ये आपका मेन सी लेवल है, दिस इज योर डेटम लाइन, यहां पर आपका ये फ्रंट नोडल पॉइंट है। लेट अस सपोज दैट दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट इज देयर, और यू कैन से फोटोग्राफ। दिस इज योर नेगेटिव प्लेट इज देयर, और यू कैन से कैमरा प्लेन, तभी तो आपका ये कैमरा लेंस, सेंटर ऑफ कैमरा लेंस। मान लीजिए ये आपका इस फोटोग्राफ की जो लाइंस हैं वो ये हैं,
अब ए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे है, लेट अस सपोज दैट दिस इज के वन और दिस इज के वन, तो ए ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर है और बी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इससे ऊपर है, बी ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ ए बी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के मैं अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो यहां से फोटोग्राफ लिया जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए हमने यहां पर बात की, और आपका एक्स कोऑर्डिनेट इसका प्लॉट होगा, लेट अस सपोज दैट ये आपका के वन है, तो दिस वन इज इसके लिए आप लोग मान लीजिए दिस इज कैपिटल एक्स ए, दिस इज कैपिटल वाई ए, एक्स एंड वाई उसने दे रखे हैं, यहां पर आपका ये एक्स ए होगा, ये आपका वाई ए होगा। सिमिलरली आप लोगों को बी के लिए मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, बी ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लीजिए, तो ये आपका बी ऑब्जेक्ट है, इसके लिए उसने हमें एच ए दे रखा है, इसके लिए उसने हमें एच बी दे रखा है, और जो टोटल आपकी फ्लाइंग हाइट है दैट इज ऑल्सो गिवन। इसके लिए आप यहां पर फोटो पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, तो ये उसने हमें एक्स बी और ये आपका वाई बी, छोटा वाई बी छोटा एक्स बी उसने हमें दे रखे हैं। हम लोगों को डिस्टेंस ए बी निकालना है ग्राउंड पे, तो डिस्टेंस ए बी के लिए अगर मैं बात करता हूं फॉर ऑब्जेक्ट ए, कोई भी ऑब्जेक्ट ए जो है उसके लिए स्केल कितना होगा, स्केल आपका फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, और h माइनस एच ए कर दीजिए, h आपका 3200 है, एच ए आपका 640 है, और आपका जो फोकल लेंथ है दैट इज गिवन टू यू 120 120। अब अगर मैं बात करता हूं इस स्केल को, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल x ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल वाई ए डिवाइडेड बाई कैपिटल वाई ए, तो इस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करके एक्स ए एंड वाई ए प्राप्त कर सकते हो, एक्स ए एंड वाई ए, तो यहां से हमें एक्स ए मिलता है, एक्स ए इज 416 मीटर एंड वाई ए मिलता है हमें -311.47 मीटर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं फॉर ऑब्जेक्ट बी के लिए, जो हमारा स्केल होगा फोकल लेंथ डिवाइड बाई एच माइनस एच बी, एच बी इज 780 मीटर इज इक्वल टू छोटा एक्स बी प्लस 26.70 डिवाइड बाई कैपिटल एक्स बी, कैपिटल एक्स बी इज इक्वल टू छोटा वाई बी प्लस 10.80 डिवाइडेड बाई कैपिटल वाई बी। इस डेटा को सोल्व करके मुझे आंसर मिलता है वाई ए सॉरी वाई बी वाई बी एंड एक्स बी, एक्स बी विल फाइंड एज 538.45 मीटर एंड वाई बी हमारा आएगा यहां से 217.80 मीटर। मैंने आपको जब इसका डेरिवेशन करवाया था तो बताया था हमें डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी
दोनों सारी चीजें अपने सिंबल के साथ लेना पड़ेगा, जो भी इनके एक्यूरेट सिंबल आएंगे, जैसे इसमें माइनस है तो इसमें माइनस ही लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इक्वेशन की। तो ये हमारा डेटा हो गया, इस डेटा के आधार पर हमें हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लेंथ एबी निकालना है। हॉरिजॉन्टल लेंथ एबी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर। एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी आपके पास है, एक्स ए इज 416 माइनस एक्स बी इज 538.45 होल स्क्वायर प्लस वाई ए इज माइनस 311.47 माइनस वाई बी इज 217.80 होल स्क्वायर होल अंडर रूट होल अंडर रूट। तो वी विल फाइंड द आंसर इज 543.25 मीटर। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, उसने हमसे पूछा है एवरेज स्केल क्या होगा, तो एस एवरेज एफ डिवाइडेड बाई एच माइनस एच एवरेज होगा। पहले एवरेज हाइट तो निकाल लो, एक पॉइंट की हाइट उसने 640 मीटर दे रखी है, दूसरे पॉइंट की हाइट उसने 780 मीटर दे रखी है, एवरेज लिया तो एवरेज इज 710 मीटर। यहां से हम लोग स्केल निकाल सकते हैं, आइए 120 mm डिवाइडेड बाई h इज गिवन टू यू 3200 मीटर माइनस 710 मीटर। अब नीचे यूनिट्स मीटर हैं और स्केल तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, तो नीचे मैं मीटर की बजाय 10^3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एमएम बन जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो वी विल फाइंड आंसर ऑफ एस एवरेज एज 1/20750। दिस वॉज यूर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए कैमरा, एक कैमरा की फोकल लेंथ निकालने के लिए दो पॉइंट्स ए एंड बी वर फोटोग्राफ्ड फ्रॉम अनदर पॉइंट सी। मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट सी है, यहां से ए एंड बी दो पॉइंट्स का फोटोग्राफ लिया गया, एंगल ए सी बी जो आपका, यह आपकी मान लीजिए कैमरा एक्सिस है, दिस वन इज कैमरा एक्सिस। फोटोग्राफ के ऊपर जहां पर हमारा जो भी ग्राउंड पॉइंट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट की बात करता हूं तो ए पॉइंट फोटोग्राफ के ऊपर और बी पॉइंट फोटोग्राफ के ऊपर, और ये टोटल एंगल is measured as 40 degree from a theodolite on a horizontal photograph। हम लोग ये bearing की बात कर रहे हैं, same plane में घूम रहे हैं, इस प्रकार से same plane में घूम रहे हैं। A and B were shown at 60.50। This distance is 60.50 mm and this distance is 72.60 mm। Means हमारे पास एक्स ए एंड एक्स बी हो गया, दिस इज एक्स ए दिस इज एक्स बी। हम लोगों को ये जो प्रिंसिपल पॉइंट ये था, दिस वाज योर प्रिंसिपल पॉइंट कि एज ए
प्रिंसिपल पॉइंट, मेन पॉइंट। तो हम लोगों को फोकल लेंथ निकालनी है। लेट अस सपोज दैट दिस एंगल इज अल्फा ए एंड दिस एंगल इज अल्फा बी। फोकल लेंथ प्रिंसिपल पॉइंट से नोडल पॉइंट तक की होती है। यहां तक हमारा एक फोकल लेंथ हो गए सी पॉइंट तक। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 60.5 डिवाइड बाय बेस इज फोकल लेंथ। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ अल्फा बी परपेंडिकुलर बाय बेस 72.6 डिवाइड बाय एफ। हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट ऑफ अल्फा ए प्लस अल्फा बी, और अल्फा ए प्लस अल्फा बी टोटल मिलाकर के 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 1040 इज इक्वल टू, फॉर्मूला खोल दीजिए, 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी। 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी। 10 अल्फा ए 10 अल्फा बी की वैल्यू हमारे पास है, दिस वन इज 60.50 डिवाइड बाई एफ, दिस वन इज 72.60 डिवाइड बाई एफ, 60.50 डिवाइड बाई एफ, 72.60 डिवाइड बाई एफ। इधर हमें 1040 की वैल्यू हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो वी विल फाइंड द आंसर एज एफ एज 182.66 एनएम। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर टू। सो आवर क्वेश्चन नंबर थ्री इज थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी वर फोटोग्राफ्ड एंड देयर कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन ज्वाइनिंग द कोलिमेशन मार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ वर गिवन टू यू। फोकल लेंथ दे रखी है हमें, एजिमुथ ऑफ लाइन ओबी एंड ओसी दे रख कैलकुलेट करना है। अगर एजिमुथ ऑफ लाइन ओए इज 340 डिग्री और 30 मिनट्स, पहले हम लोगों को इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एलिनिक फोटो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लीजिए, लो कर लेते हैं। ये हमारा यहां पर मैंने फोटोग्राफ बना लिया है, लेट अस सपोज दैट दीज आर द फिड्यूशियल लाइंस एंड दिस इज योर प्रिंसिपल पॉइंट के। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट और यू कैन से फोटोग्राफ इज देयर, फोटोग्राफ, और उसने बोल रखा हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ है, तो ये एक्सिस थ्रो आउट जाएगी। जहां पर भी हमारा जहां से भी फोटोग्राफ लिया गया होगा वो भी चेक कर लेंगे, जहां से भी हमारा ये फोटोग्राफ लिया गया होगा वो भी विल डिस्कस। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फोटो के ऊपर वो है -36.5, मतलब इधर लाई कर रहा है, एंड +25.5 मींस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फोटो के ऊपर यहां पर लाई करेगा ये। सिमिलरली बी पॉइंट 10.20 माइनस, ये प्लस आ गया 10.20 एंड -18.60 यहां पर आ गए बी पॉइंट, एंड सी पॉइंट इज +56.50 एंड +40.20 यहां पर आ गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। उसने हमें फोकल लेंथ जो दे रखी है दैट इज गिवन टू यू, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 125 mm, ये दे रखा 125 mm। इस डेटा का काम खत्म हो गया। लेट अस सपोज दैट
this point is camera lens or front nodal point. यहां से A की तरफ लाइन खींची गई, ये लीजिए, ये हमारा ओ ए लाइन होगी, ये हमारी ओ बी लाइन होगी एंड ये हमारी ओ सी लाइन होगी। ओ ए लाइन की बीयरिंग 340 डिग्री 30 मिनट्स दे रखा है। जो बीयरिंग होती है वो हमेशा ट्रू नॉर्थ से मार्क की जाती है, तो इसमें हम लोगों को ट्रू नॉर्थ भी मार्क करना पड़ेगा। और हम लोगों को ए बी ओ बी एंड ओ सी की बीयरिंग में निकालनी है, तो यहां पर हमें पहले ट्रू नॉर्थ मार्क करना पड़ेगा। ये हमारा ओके लाइन हो गया। लेट अस सपोज दैट ट्रू नॉर्थ इज दिस वन, ट्रू नॉर्थ यहां से इस ओ ए लाइन की बीयरिंग उसने हमें दे रखी है 340 डिग्री 30 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल हमारा अल्फा ए है, ये एंगल हमारा अल्फा बी है एंड ये एंगल हमारा अल्फा सी है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां से और ये डिस्टेंस आपका हो गया फोकल लेंथ एफ, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स ए डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा एक्स ए डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज 125 mm। तो यहां से अल्फा ए इज फाउंड टू बी 16 डिग्री 60 मिनट एंड 40 सेकेंड्स, 16 डिग्री 60 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। ये केवल हमें प्लॉट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, और कोई हमारा इसमें कोई यूज नहीं है। सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10.20। देखिएगा इसके ऊपर मत जाइएगा नेगेटिव मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये नेगेटिव तो लेफ्ट में है, वो तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, ये बात आप याद रखिएगा। ओ बी तो टेंजेंट ऑफ अल्फा बी एक्स बी डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, एक्स बी हमारा कितना है 10.20 डिवाइड बाई 1.125 mm। तो यहां से अल्फा बी इज फाउंड टू बी 4 डिग्री 39 मिनट एंड 54 सेकेंड्स। इसका काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा सी, टेंजेंट ऑफ अल्फा सी इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स सी इज 56.50 डिवाइडेड बाई आपका दैट इज सपोज दैट दिस इज टोटल अल्फा सी डिवाइड बाई एफ, एफ इज 125, तो यहां से हमारा अल्फा सी आया है 24 डिग्री 19 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स। तो ये हमने निकाल दिए जी सारे एंगल्स, एंगल्स मतलब आपके जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल्स थे ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है बीयरिंग्स की। हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर हमें चाहिए बीयरिंग का, मींस ट्रू नॉर्थ से बीयरिंग चाहिए। तो ओ ए की बीयरिंग तो उसने दे रखी है, मुझे ओ बी की बीयरिंग चाहिए और ओ सी की बीयरिंग चाहिए। तो पहले बीयरिंग ऑफ में ओ के क्यों ना निकाल लूं, बीयरिंग ऑफ
ओके देखिएगा ध्यान से, ट्रू नॉर्थ से यहां से मैं चल के ओ ए पर आ गया तो 340 डिग्री 30 मिनट में घूम गया, उसमें मैं अगर अल्फा ए जोड़ दूं तो मैं ओ के लाइन पर आ जाऊंगा, तो बीरिंग ऑफ ओ के इज इक्वल टू 340 डिग्री 30 मिनट्स प्लस अल्फा ए हमारा ये निकल के बैठा हुआ है 16 डिग्री 16 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 356 डिग्री 46 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। ओके की बीरिंग उसने नहीं पूछा है, लेकिन हमें ओबी की बीरिंग निकालने के लिए किसी ने किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं बीरिंग ऑफ ओबी लाइन। ओबी की बीरिंग प्राप्त करने के लिए मेरा कोई सिंपल प्रोसीजर है, ओके की बीरिंग में मैं अल्फा भी जोड़ दूं, तो ओके की बीरिंग कितनी हमारी 356 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड्स में मैं अल्फा भी जोड़ दूं, अल्फा भी हमारा है 4 डिग्री 39 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। ये वैल्यू 360 से ज्यादा बन रही है, बट कोई भी बीरिंग 360 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है, बिल्कुल राइट वर्ड साइड में शिफ्ट हुआ है, तो माइनस 360 डिग्री घटा दीजिए, वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिग्री 26 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स, ओबी की बीरिंग आ गई। अगर मैं बात करता हूं बीरिंग ऑफ ओसी, ओसी की बीरिंग प्राप्त करने के लिए ओके की बीरिंग में अल्फा सी जोड़ दूंगा, तो ओके की बीरिंग हमारी है 356 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड्स प्लस अल्फा सी हमारा है 24 डिग्री 19 मिनट 23 सेकेंड 23 सेकेंड्स। तो इस बार 360 से ज्यादा बनाएगा, तो माइनस कर देता हूं 360 डिग्री, तो आंसर शुड बी 21 डिग्री 6 मिनट एंड 3 सेकेंड्स। नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ए टिल्टेड एरियल फोटोग्राफ इफ द स्विंग इज 240 डिग्री, मैंने आपको कल बताया था और लास्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 3 में डिस्कस किया था, ये हमारा कोई भी फोटोग्राफ था एरियल फोटोग्राफ, ये इसकी वाई एक्सिस थी एंड दिस वाज योर प्रिंसिपल प्लेन, याद आया हो तो आपको, तो यहां से और नादिर पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ, ये हमारा नादिर पॉइंट था एन, इट वाज स्विंग एंड दिस वाज योर रोटेशन एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू एस माइनस 180 और स्विंग इज गिवन टू यू 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री गिव्स मी द आंसर एज 60 डिग्री। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लाइन एक्स वाई अपीयर्स 12.50 सेंटीमीटर ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के ऊपर इतना दिखता है, आइए देखिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर मेन सी लेवल, फोटोग्राफ के ऊपर कोई लाइन हमें दिखती है 12.5 सेंटीमीटर, ये कोई लाइन है एक्स वाई लाइन इज देयर, ग्राउंड पे ये लाइन जो भी है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, जिसका एवरेज एलिवेशन है मेन सी लेवल से 250 मीटर 250 मीटर, स्केल हमें दे रखा है, स्ट्रीम लाइन मेजर्स 2.52 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, मैप के ऊपर इतना है ये और स्केल हमें ये दे रखा है, तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिस्कस करते हैं। आइए अगर मैं बात करता हूं आपका
length of a line on a map is 2.52 cm. ये दे रखा, ये बैठा हुआ, और स्केल उसने हमें दे रखा है 1 cm इज इक्वल टू 50,000 cm. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, ये हमें स्केल गिवन है। तो ये लेंथ ऑन ग्राउंड कितना हो गया, लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड 2.52 cm, और 1 cm में आपका मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 cm में 50,000 m और 50,000 cm, तो इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो इट इज इक्वल टू 1260 m। मतलब जो ये लाइन आपको 12.52 cm वर्टिकल फोटोग्राफ के ऊपर ये है, लेकिन एक्चुअल लेंथ इसकी मैप के ऊपर 2.52 cm, तो ग्राउंड में कितनी लेंथ होगी वो मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब मैप डिस्टेंस आपके पास इतना है और ग्राउंड डिस्टेंस आपके पास इतना है, तो स्केल आपका क्या होता है, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, तो अगर हम बात करते हैं ये एच एवरेज उसने दे रखा हमें, और ये लेंथ आपकी एच टोटल हाइट हमें कैलकुलेट करना है, फ्लाइंग हाइट वी हैव टू कैलकुलेट, तो स्केल मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस 1260 m में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10^2 cm कैंसल्ड आउट, तो स्केल हमने प्राप्त किया जो भी वैल्यू आएगी बाद में देख लीजिए, और स्केल हमारा होता है फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय एच माइनस एच एवरेज। फोकल लेंथ उसने मुझे दे रखी है 160 mm, फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 160 mm, 160 डिवाइडेड बाय एच माइनस एच एवरेज इज 250 m। देखिएगा नीचे यूनिट्स मीटर में है, ऊपर यूनिट्स एमएम में है, तो 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर, तो जो हमारा एच निकल के आएगा वो मीटर्स में निकल के आएगा। तो एक ये डेटा हो गया मेरे पास और एक ये डेटा हो गया मेरे पास, दोनों को आपस में इक्वेट करवा दीजिए, क्योंकि दोनों को वैल्यू है तो स्केल की ही, तो फ्लाइंग हाइट वी विल फाइंड द आंसर एज 1862.82 m फ्रॉम मेन सी लेवल, फ्रॉम मेन सी लेवल। तो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज एक सेक्शन लाइन ए बी जो कि 300 m लॉन्ग है ऑन ए फ्लैट टेरेन, फ्लैट टेरेन पर जो कि 300 m लॉन्ग है, मेजर्स 102.4 mm ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ। मतलब मैप डिस्टेंस दे दिया, ग्राउंड डिस्टेंस दे दिया, तो स्केल तो हमारा हो गया स्केल ऑफ फोटोग्राफ, तो हमारा निकल के आ गया मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस 300 m, एमएम में कन्वर्ट कर लिया, एमएम से एमएम कैंसल्ड आउट, वैल्यू इज 1/2929.6875। आपका स्केल ऑफ फोटोग्राफ तो आ गया, द डिस्टेंस सॉरी ए रेडियो टावर ऑल्सो अपीयर्स ऑन द फोटोग्राफ। एक रेडियो टावर मान लीजिए, ये कोई आपका रेडियो टावर है, इट ऑल्सो अपीयर्स ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ, द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू द इमेज ऑफ बॉटम, बॉटम जो इमेज है वो 8 cm, एंड टॉप ऑफ रेडियो टावर जो इमेज है वो 9 cm इज फाउंड। एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन, एवरेज एलिवेशन दे रखा है 553 m। मैंने आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वाला केस बताया था, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी का फॉर्मूला हमारा होता है आर एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच, मैंने आपको बताया था।
लेकिन इस केस में, उस केस में तो मैंने आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट समझाई थी, उसको मैंने डेटम पे शिफ्ट कर दिया था, ये तो एवरेज पे शिफ्ट है। तो एच माइनस एच एवरेज इज दियर, एच एवरेज इज दियर। तो अगर मैं बात करता हूं अब एलिवेशन टेरेन का दे रखा 553 मीटर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एच। नाइदर फ्लाइंग हाइट इज गिवन टू यू नॉर हाइट ऑफ टावर इज गिवन टू यू, वी हैव टू कैलकुलेट बोथ इनडायरेक्टली। फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 152.4 mm। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारा एवरेज जो ये एलिवेशन स्केल जो हमारा निकला है, एस एवरेज, एवरेज स्केल फॉर्मूला क्या होता है, एफ फोकल लेंथ इज गिवन टू यू, दिस फोकल लेंथ इज गिवन टू अस एज 152.4 mm। एस एवरेज का फॉर्मूला हमारा होता था एफ डिवाइडेड बाई एच माइनस एच एवरेज। फोकल लेंथ हमारी दे रखी है उसने 152.4 mm डिवाइडेड बाई आपका एच माइनस एच एवरेज। एच एवरेज 553 मीटर, 553 मीटर, तो ये मीटर में आ जाएगा, लेकिन इसको 10^3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे एमएम बन जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो एच की वैल्यू ये मुझे एमएम में निकाल के और ये बैलेंस हो जाएगा। इधर आपका एस एवरेज इज 1 / ये मैंने निकाल दिया था 2926875, विच गिव्स मी हाइट एज, जो कि मुझे हाइट देता है 999.484 मीटर। तो उसने मुझे फ्लाइंग हाइट निकाल के दे दी 999.484 मीटर। अब हमें बात करनी है हाइट ऑफ टावर निकालना है। पहले रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी क्या होता है, 9 - 8, 9 - 8 1 cm, 9 - 8 1 cm आपका डिवाइड बाई, ये आर था, छोटा आर था और ये आर नॉट था। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं एच का, तो एच विल बी इक्वल टू डी एच माइनस एच एवरेज डिवाइड बाई आर। तो यहां से अगर हम डेटा सोल्व करते हैं तो डी इज गिवन टू यू 1 cm, यूनिट का ध्यान याद रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 999.484 माइनस 553 मीटर डिवाइडेड बाई, क्योंकि एच की वैल्यू मीटर में निकल के आनी है, तो और डिवाइडेड बाई ये आर जो था, ये डिवाइडेड बाई आर कर लीजिए, आर इज 8 cm, 8 cm, 1 cm से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो एच की वैल्यू मेरे मीटर्स में निकल के आ जाएगी। एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एज, हम लोगों को एच की वैल्यू मिलती है 55.81 मीटर। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एज 55.81। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, स्टार्टिंग में मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस से आपका स्केल ऑफ फोटोग्राफ निकाल लेना है, क्योंकि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का केस है तो हमारा फॉर्मूला था डी इज इक्वल टू आर एच डिवाइड बाई कैपिटल एच, लेकिन कैपिटल एच तब माना जाता था जब वो सारा बॉटम पॉइंट डेटम पर माना जाता था, तो लेकिन इस केस में तो एवरेज एलिवेशन पर, तो एच माइनस एच एवरेज दे। अब हम एवरेज स्केल की बात कर लेते हैं, तो फोकल लेंथ बाई एच माइनस एच एवरेज, एच एवरेज हमें गिवन है, फोकल लेंथ हमें गिवन है, तो कैपिटल एच की वैल्यू हम लोग इस स्केल की वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। कैपिटल एच इज फाउंड टू बी नियरली 1000 mm। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट उसने हमें दे रखी है 9 cm माइनस 8 cm इज इक्वल टू 1 cm। तो इसमें डी की वैल्यू हमारे पास है, एच हमारे पास हो गया अभी निकाला, और कैपिटल एच एवरेज हमारे पास हो गया, दैट इज 553 मीटर, और आर की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, ये रहा 8 cm। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 55.81। तो दिस वाज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज 1 cm इज इक्वल टू 250 मीटर, साइज ऑफ वन फोटोग्राफ इज 30 cm by 30 cm। अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूं तो साइज ऑफ वन फोटोग्राफ इज 30 cm
multiply by 30 centimeter. Longitudinal overlap is 40%, 40%, and side overlap is 30%, 30%. तो हमारा एक फोटोग्राफ के द्वारा जो नेट एरिया कवर किया जाएगा, दैट इज दिस वन. नेट इफेक्टिव एरिया इज दिस वन. एक फोटोग्राफ के द्वारा इतना एरिया कवर किया जाएगा. तो ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी. तो जनरल केस में इसने टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पूछे हैं, दो क्वेश्चन पूछे हैं, 80 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 30 किलोमीटर एरिया को कवर करने के लिए एंड 1200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए टू क्वेश्चन आ दिया. तो इफेक्टिव लेंथ कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ, ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव लेंथ, लेंथ मतलब 30 सेंटीमीटर है. तो 30 सेंटीमीटर में से कितना घटा दूं, 30 सेंटीमीटर में से मैं 40% घटा दूं, माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. इफेक्टिव लेंथ कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ इज 18 सेंटीमीटर. एंड ऑन मैप, मैप बात चल रही है, ऑन मैप मींस फोटो. एंड इफेक्टिव विड्थ, कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ इज 30 सेंटीमीटर माइनस 30% ओवरलैप इंटू 30, तो वैल्यू इज 21 सेंटीमीटर. तो अगर मैं बात करता हूं, ये तो मैप की बात होगी, मतलब फोटोग्राफ की बात होगी. तो लेंथ कवर्ड ऑन ग्राउंड, लेंथ कवर्ड ऑन ग्राउंड एंड विड्थ कवर्ड ऑन ग्राउंड 18 सेंटीमीटर फोटोग्राफ के ऊपर कवर करता है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर. तो मल्टीप्लाइड बाई 250 मीटर, वैल्यू इज 4.5 किलोमीटर. एंड विड्थ कवर्ड इज 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 250 मीटर, दैट इज 5.25 किलोमीटर. तो अब हम बात कर लेते हैं इस एरिया को कवर करने के लिए कितने फोटोग्राफ्स की जरूरत है, इस एरिया को कवर करने के लिए कितने फोटोग्राफ्स की जरूरत है. आइए देखिएगा ध्यान से, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट लेता हूं, तो फर्स्ट पार्ट में आपका एरिया है 80 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर. तो क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, एरिया आपका 80 बाई 30, इतना एरिया है और एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 किलोमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया टू बी कवर्ड कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, दैट इज एरिया कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ. हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स is nearly 108 photos. क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया. उसने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोला 1200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए कितने फोटोग्राफ्स की जरूरत है. तो टू कवर ऊपर लिख देता हूं मैं, 80 मल्टीप्लाइड बाई 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. एंड दूसरा क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर 1200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, एरिया टू बी कवर्ड इज 1200 किलोमीटर स्क्वायर
and area covered by one photograph is 4.5 multiplied by 5.25 kilometer square. Number of photographs are nearly equal to 51 photos. Now this question was very very important for your examination point of view. ध्यान से देखिए, दोबारा मैं बता देता हूं एक बार. फोटोग्राफ के डायमेंशन दे रखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड साइड ओवरलैप दे रखा है, इफेक्टिव लेंथ निकाल ली, इफेक्टिव विड्थ निकाल ली. वही इफेक्टिव लेंथ एंड इफेक्टिव विड्थ ऑन ग्राउंड निकाल लिया. ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे वैल्यू निकाल ली. नंबर ऑफ फोटोग्राफ कवर्ड और टोटल फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, एरिया टू बी कवर्ड डिवाइड बाई एरिया कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ. कोई भी एरिया हो आप उसके लिए ये निकाल सकते हैं. तो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 इज ए पर्टिकुलर रनवे मेजर्स 4 सेंटीमीटर ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ, वेयर इज द सेम रनवे मेजर्स 3 सेंटीमीटर ऑन ए मैप प्लॉटेड ऑन ए स्केल ऑफ 1:24,000. तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं, उसने हमसे पूछा है द स्केल ऑफ फोटोग्राफ, मतलब 4 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग स्केल पूछा है, 3 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग उसने स्केल दे रखा है. तो अगर मैं मैप के ऊपर बात करता हूं, मैप के ऊपर स्केल आपका होता है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आपका एक्चुअल और यू कैन से ग्राउंड रनवे लेंथ. यहां से मेरी ग्राउंड रनवे लेंथ निकल के आती है, ग्राउंड रनवे लेंथ मेरी निकल के आती है 72,000 सेंटीमीटर. अब हम फोटोग्राफ के ऊपर बात करते हैं. ऑन फोटोग्राफ आपका स्केल होता है मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस. तो फोटोग्राफ के मैप के ऊपर आपका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है, एक्चुअल ग्राउंड रनवे लेंथ है 72,000 सेंटीमीटर. तो आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल्ड आउट, दैट इज 1:18,000. मीन्स 4 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोग्राफ के ऊपर जो स्केल होगा 1:18,000 होगा. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ एन ओवरलैपिंग पेयर ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ, ओवरलैपिंग का मतलब है स्टीरियो पेयर बनाएगा, मोज़ेक बनाएगा, टेकन विद एन फोटो मैप्स बनाएगा विद ए 150 mm फोकल लेंथ कैमरा, हैज एन एयर बेस ऑफ 2100 meter एंड द एलिवेशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट ए ऑन इट इज 900 meter. तो आपका जो कंट्रोल पॉइंट है ग्राउंड सरफेस पर, लेट अस सपोज दैट वो ये है, मीन सी लेवल से इसका उसने एलिवेशन हमें छोटा एच दे रखा है 900 meter अबो द मीन सी लेवल एंड पैरेलेक्स ऑफ द पॉइंट. मीन्स उसने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया 75 mm, तो उसने डीपी दे दिया पैरेलेक्स डिफरेंस, DP1 - DP2. Parallax is nothing, it is relief displacement. It is 75 mm. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा जो relief displacement वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा parallax was 1 cm, 9 cm minus 8 cm. तो DP उसने उसने हमें दे दिया. मान लीजिए ये आपकी flying line है, let us suppose that this is your flight line. पहला फोटोग्राफ यहां से लिया गया है और दूसरा फोटोग्राफ यहां से लिया गया है. इन दोनों फोटोग्राफ्स में आपका ये पॉइंट ए ऑब्जर्व हो रहा है. तो जब मैं इधर से उधर जाऊंगा तो ये पॉइंट मेरा राइट में पड़ेगा. तो ये पोजीशन हमारी राइट हैंड साइड में है और जब मैं इधर आ जाऊंगा और इस पॉइंट को शो करूंगा तो ये पॉइंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा. तो दिस पॉइंट इज लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट. यहां से इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व किया गया और यहां से भी इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया. ये जो फ्लाइट लाइन है, लेट अस सपोज दैट इसकी फ्लाइंग हाइट
कैपिटल एच है और फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच उसने हमें नहीं दे रखी है, लेकिन उसने हमें दो पॉइंट के बीच में, दो एक्सपोजर स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस ग्राउंड में कवर होती है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं एयरबेस बोलता हूं, बी बोलता हूं। वो उसने हमें दे रखा है 2100 मीटर। तो सीधी सी बात है, स्केल की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। स्केल आपका, आइए, स्केल आपका होता फोकल लेंथ डिवाइड बाई एच माइनस ये जो पॉइंट एच। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2100 मीटर है और फोटोग्राफ में जो पैरेलेक्स डिफरेंस आया वो भी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो 75 mm है। तो डीपी डिवाइडेड बाई मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस इज एयरबेस बी। स्केल उसने हमें नहीं दे रखा है, फोकल लेंथ इज गिवन टू यू, फोकल लेंथ इज हाउ मच, फोकल लेंथ इज 150 mm, फोकल लेंथ इज 150 mm, तो 150 mm फोकल लेंथ दे रखी है डिवाइडेड बाई कैपिटल एच। वी हैव टू कैलकुलेट देन द फ्लाइंग हाइट अपो मीन से लेवल ऑफ स्टीरियो पेयर विल बी। मैं बार क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, इफ एन ओवरलैपिंग पेयर ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ हैज टेकन विद एन 150 mm फोकल लेंथ कैमरा हैज एन एयर बेस ऑफ 2100 मीटर एंड द एलिवेशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट ए इज 900 मीटर, 900 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, पैरेलेक्स ऑफ द पॉइंट इज 75 mm, फ्लाइंग हाइट वी हैव टू कैलकुलेट एच माइनस 900, यूनिट्स बैलेंस कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10^3 mm हो गया, कैंसल्ड आउट, विल बी इक्वल टू डी पी 75 mm डिवाइडेड बाई एयरबेस इज गिवन टू यू 2100 मल्टीप्लाई बाई 10^3 mm, यूनिट बैलेंस होगी, एच की वैल्यू मीटर से निकल के आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 5100 मीटर, एच वैल्यू इज इक्वल टू 5100 मीटर। दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज ए चिमनी अपीयर्स इन टू सक्सेसिव फोटोग्राफ्स, मींस एयरबेस वाला क्वेश्चन आ गया, टेकन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर अबाउट द मीन सी लेवल, फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 150 mm, एयरबेस लेंथ इज गिवन टू यू 400 मीटर, पैरेलेक्स फॉर टॉप एंड बॉटम ऑफ चिमनी आर 70 mm एंड 60 mm रिस्पेक्टिवली, हाइट ऑफ चिमनी इज, थोड़ी देर पहले बताया पैरेलेक्स डिफरेंस इक्वेशन, डेल पी इज इक्वल टू डेल एच इन टू पी टॉप डिवाइडेड बाई एच माइनस एच बॉटम, 70 - 60 पैरेलेक्स डिफरेंस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, डेल्टा एच वी हैव टू कैलकुलेट, 70 पैरेलेक्स ऑफ टॉप पॉइंट 2000 माइनस एच बॉटम, एंड चाहे आप यही इक्वेशन आप बॉटम के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप टॉप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो पी बॉटम पैरेलेक्स बॉटम इज इक्वल टू एफ इंटू बी एच माइनस हाइट एट बॉटम पॉइंट और एवरेज एलिवेशन फॉर बॉटम पॉइंट, दिस इज गिवन टू यू 60 mm, 150 mm, बेस इज 400 मीटर, 2000 मीटर माइनस एच बॉटम, तो एच बॉटम की वैल्यू आपकी आ गई आपकी 1000 मीटर, मींस जो चिमनी का जो बॉटम पॉइंट है वो मीन सी लेवल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में मैंने एच बॉटम की वैल्यू पुट कर दिया एंड वी विल फाइंड द आंसर एज हाइट ऑफ चिमनी एज 142.88 मीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, जिसमें मैंने पार्ट नंबर 1 में टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का बेसिक डिस्कस किया, पार्ट नंबर 2 में टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन और जो भी न्यूमेरिकल डेरिवेशंस थे वो डिस्कस किए हैं, पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको एरियल सर्वे पढ़ाया कंप्लीट, एरियल सर्वे में आपका बहुत सारे पॉइंट्स थे, एंड पार्ट नंबर 4 में एरियल एंड टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे 10 न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं पार्ट नंबर 4 में। आई होप आपको भी मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।